आपका नाम? श्रावणी। ये आपके पति हैं? इन लोगों ने तुम्हें छेड़ा था क्या? अबे ठीक से डालना। अरे आना, चलेगी क्या मेरे साथ? इधर देखना। जी हाँ। देखिए, अगर कंप्लेन करेंगे तो आपको छेड़ने के जुर्म में इन्हें 1 महीने की सजा होगी और कानून को हाथ में लेने के लिए आपके पति को 1 दिन के रिमांड में रखना होगा, मतलब 1 दिन जेल में रहना होगा। बताइए क्या करोगी, कंप्लेन करोगी या कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज। गुड, बाहर जाओ। भूषण जी, अगर इन्होंने दोबारा ऐसी हरकत की तो सबको अंदर डाल दूंगा। जाइए। मैडम, आपसे मिलने कोई आए हैं? अंदर भेज दे। वो आपको बाहर बुला रहे हैं। वो एक दोस्त हैदराबाद जा रहा था तो उसे छोड़ने आया था। अरे हैदराबाद इस स्टेशन से नहीं जाते हैं। ओ ऐसा क्या? चलो ठीक है, वो संभाल लेगा। स्टेशन अपना ही है ना? अपना नहीं है, गवर्नमेंट का है। हाँ वही वही। बीवी की तनख्वाह पे जीने की मुझे जरूरत नहीं है। कुछ नहीं कुछ नहीं। तुमने बुलाया क्या? तुमने मुझे बुलाया नहीं? हाँ बुलाया। सुबह आपके कपड़े वॉशिंग करते वक्त आपके शर्ट के पॉकेट में 1000 रुपए मिले थे। ओ, ये पक्का मेरे ही है ना? आपके ही मतलब तुम्हारे तो नहीं है ना? नहीं, पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। शर्म आनी चाहिए। हाँ, बीवी से पैसे लेने के लिए। अपने बेटे को थोड़ा समझाओ। ए अपराव, सुन रहा है ना? घर का खाना, पहनने वाले कपड़े और अब तो पीने वाला दारू भी बीवी की कमाई से ही। आप कौन होते हैं बोलने वाले? अपर्णा, सुन रही हो ना? ऐसे कहना चाहिए, तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो किसी और को बीच में आने की क्या जरूरत? एक उम्र के बाद उन्हें चाय दो, खाना दो और उनसे कहो कि घर में आराम करें और कुछ नहीं। तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पति को कैसे डांट सकते हैं? गलत है ना? दूसरी तरफ फोन पर कोई नहीं है ना? दूसरी तरफ फोन पे कोई नहीं है। चुप रहो बेटी, क्वार्टर पीता था, अब तुम्हारी वजह से फुल पीने लग गया है। ए, ये फिलॉसफी गाने तेरा पेट नहीं भरेंगे। ए, उठ, कितने साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा? देख, एक बार जो चला जाए वापस नहीं आता, भले ही वो चीज हो या फिर इंसान। कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दो। मेरे दिल में बात है जो कह दो। कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दो। मेरे दिल में बात है जो कह दो। पापा जी, शराब छोड़ देंगे तो उनके लिए अच्छा होगा ऐसा आप सोचते हैं, पर मुझे लगता है उनके दिल का दर्द कम होगा तो उनके लिए अच्छा होगा।
ओ, गर्मा गर्म। पापा जी, आमलेट उनके लिए है, आपको डोसा देती हूँ। आमलेट उसके लिए, मुझे डोसा? लाइए। मैं जरूरत नहीं है। वाह वाह, उसकी जरूरत नहीं है और उसके बनाए हुए ऑमलेट चाहिए? हाँ, शादी किए 2 साल हो चुके हैं, बहू के साथ कभी प्रेम से 2 शब्द भी बोले हैं क्या? शादी की सालगिरह थी इसलिए मंदिर ले जाने की सोच रही थी, तू पुलिस स्टेशन ले गया। ये सब मेरी वजह से ही हुआ। ऐसा नहीं है बेटी, तुम्हारे पति ने तुम्हारे प्रेम की वजह से उनको नहीं मारा, इसे हीरोइज्म दिखाने का बहुत शौक है इसलिए। ये सब रहने दीजिए ना, वो खा रहे हैं। सर, खाते समय ही तो मिलते हैं ना, फिर कब मिलते हैं? मुझे मेरी बेटी से 10 मिनट बात करनी है। घर पे नाश्ता नहीं किया? यहाँ पे कुछ नहीं है। ए, ए, बेटी, पिताजी के लिए नाश्ता लेकर आओ। जरूरत नहीं है बेटी। जगन्नाथ जी, इस कॉलोनी में किसी भी लड़की से आपके बेटे की शादी होनी चाहिए थी ऐसा सोचा था, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, अपनी बेटी को मैंने खुद अपने हाथों से आपके बेटे को सौंप दिया। ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं जानता था कि सामने के घर में एक आवारा लड़का रहता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी इससे ही प्यार करती है। मेरे कलेजे पे सांप लौट गया। बेटी श्रवणी, तुम्हारा ये पति शुरू से ही शराब पीता था, झगड़े करता था, बस जेल जाना बाकी था, आज वो भी देख लिया। तुम ये सब क्यों सह रही हो बेटी? मेरी बात मानो, घर चलो। घर चलो बेटी। श्रावणी आ रही है। तुम्हें समझ नहीं आया क्या? बेटी इनडायरेक्टली कह रही कि यहाँ से हम चले जाएं। तो चलो अब। सुनिए, इस संक्रांति पर दामाद जी को कपड़े देने चाहिए, श्रावणी को पैसे देंगे तो। इसे पैसे देंगे तो पता है ये क्या करेगा? सुबह से लेकर रात तक ये शराब की दुकान पे बैठा रहेगा और वहीं पीता रहेगा। अब भी दोगी क्या? अब चलो, यही पैसा देने वाली, अगले रविवार फिर आएंगे, आदत से मजबूर जो है। ए श्रावणी, दरवाजा खोलो। ए, कुछ और काम नहीं है क्या? जब देखो मेरे घर में पड़े रहते हो, चलो निकलो। रुको, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर सामने है। पता है पता है। हमारे परिवार के लिए शनि हो तुम। क्या बोला? मैंने बोला हमारे परिवार के लिए शनि हो तुम। क्या बोला? शनि हो तुम शनि। क्या बात कर रहे हैं आप? वही बात कर रहा हूँ जो तुम क्या सुन रहे हो। बात कर रहे हैं आप? बोला शनि हो तुम शनि। मैं हूँ। हाँ शनि हूँ। हाँ हो, शनि हूँ। हाँ हो, शनि हूँ मैं। देखिए, आप जबान संभाल कर मेरे साथ बात कीजिए। मर्डर करोगे मेरा? बोलो बोलो, क्या करोगे? क्या करोगे? तुम देखना है, तुम देख रहे हो ना, अपने ससुर से कैसे बात कर रहा है? तुम अपना मेडिकल शॉप संभालो ना, मेडिकल शॉप के लफड़े पड़ते हो, पूर्णा मेरे पूर्णा पड़े रहते हो। अगर मुझे शांत हो जाओ तो दूर रहो, मुझे आज के बाद मेरे सामने मत आना। मुरारी जी, घर के अंदर चल के बात करते हैं। तुम हटो ना, आज तो सारी बातें यही रोड पे फाइनल होंगी। इस कॉलोनी में मैं सर उठा के जी नहीं पा रहा हूँ। कल ये सन्यास राव के घर जाके दरवाजा खटखटा रहा था और परसों सरस्वती बहन के दरवाजा खटखटा रहा था। ये तो शुक्र है कि कॉलोनी वाले शरीफ है। जी, पता नहीं है पीने के बाद क्या क्या करता रहता है। ये शराब पीते हैं पर इन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया। करने के लिए बचाई क्या यार, 19 साल की उम्र में इसने सब कुछ कर डाला। बीपी के इसने अपना शरीर तो खराब कर ही लिया और इधर उधर जाके अपना मुँह मार रहा। घटिया इंसान को भी तुम सपोर्ट कर रही है बेटी? पता नहीं इस जैसे घटिया और बेवकूफ इंसान को तुम जैसी शरीफ लड़की कैसे मिल गई। हाँ मैं तो बेवकूफ हूँ, लेकिन तू सबसे बड़ा बेवकूफ है क्योंकि तुमने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाई। अरे चल जाना। तुम बेवकूफ, देखो कह रहा। अरे जाओ ना। अरे रोज का यार इनका, रोज सुबह उठ के चपड़ चपड़ चपड़। चलो चलो घर के अंदर चलो। क्या कर रहे हैं आप? क्या करने वाले हैं अब? चलो घर के अंदर। स्टोव जलाने के लिए मैंने केरोसिन लिया था ना, अब देख मैं इसका क्या करता हूँ। नहीं बेटी, तू दूर हट जा, चल दूर जा, अभी दिखाता हूँ मुझे बेवकूफ बोलने की। अपा राव जी, माचिस है क्या? सन्यासी राव जी, माचिस है क्या? सरस्वती जी, माचिस दो ना। अच्छा, आप तो लेडीज है, आप सिगरेट नहीं पीती होंगी ना? पागल हो गए हैं क्या? अपने साथ अंदर चलिए। देखा बेटी, तेरा पति मुझे जान से मारना चाहता है। अपर राव जी, आपने देखा ये मुझे माचिस दे रहा था। क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रुको रुको, मेरी बात सुनो। मैं अगली संक्रांति तक तुम्हें टाइम दे रहा हूँ बेटी।
इस बीच अगर तेरा पति सुधर गया तो मैं तेरे परिवार में कोई दखल नहीं दूंगा, लेकिन अगर नहीं सुधरा तो तुझे मेरे घर पे वापस आना होगा। चलना, पूरे शरीर से केरोसिन की बदबू आ रही है, ठंड में नहाना पड़ेगा। ए, 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 क्या कर रहा है ये सब, क्यों ऐसा कर रहा है तू? आप दिल पर ले रहे हो, ये तो इनका रोज का है यार। मेरी तुम लोग क्या देख रहे हो, यहाँ पर बच्चे चल रहे हैं क्या? चलो जाओ जाओ जाओ। आखिर आप ये सब क्यों करते हैं जी? अगर आपको पीना है तो घर में भी तो पी सकते हैं। आपको पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए मुझे, बीवी की तनख्वाह पर जीने वालों में से मैं नहीं हूं। मीरा, दोनों एक ही रूम में सोएंगे ऐसा कह रही है। मैंने नहीं कहा मीरा, मीरा पापा जी की नाइट ड्यूटी है ना, मैं उनके रूम में चली जाती हूँ। अरे अप्पा राव, तू कुछ भी बोल ले, ये नाइट ड्यूटी अब मेरे बस की बात नहीं है। हाँ हाँ, खून चूस रहा है डिपार्टमेंट। अरे क्यों इतनी परेशानी हो रही है पता है तुझे? ठीक है, बाहर सो जाती हूँ या फिर। हॉल में सो जाती हूँ। हॉल में जाने की जरूरत नहीं, यहीं सो जा। सो जाओ। मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। कोई बात नहीं, ट्रेन आने तक रुकता हूं। बैग दो। कुछ भूली तो नहीं हो ना तुम? नहीं। ट्रांसफर के बारे में कब पता चला था तुम्हें? कल सुबह। तो फिर मुझे 10 दिन पहले कैसे पता चल गया? सुब्रमण्यम जी ने बताया था। जब तब मना किया था तो अब क्यों जा रही हो? दूर रहने के लिए जा रही हो या हमेशा के लिए दूर होने के लिए जा रही हो? बोलो श्रावणी, इतने साल तुमने मुझे झेला और अब 10 दिनों में ही तुम परेशान हो गई। बताओ श्रावणी, तुम क्यों जा रही हो? क्योंकि अब और ज्यादा नाटक नहीं कर सकती मैं। इतने सालों से मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ, जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझसे दूर थे तब मैं दुखी नहीं थी, क्योंकि उसमें एक सच्चाई थी। सब बर्दाश्त कर रही थी मैं, पर इन 10 दिनों से आप जो प्यार का नाटक कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। आपका प्यार झूठा है ये याद आती है, जान निकल जाती है। तुम गलत समझ रही हो, मैं नाटक नहीं कर रहा, मैं बस समझ नहीं पाया। और उस दिन भूषण के गुंडों को मैंने ऐसे ही नहीं मारा था, मैंने ये सोचकर मारा कि उन्होंने मेरी बीवी को छेड़ा है। देहरादून में जब अंशु की मौत का पता चला तो लगा कि मैं खुद भी मर जाऊं, लेकिन मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा ये सोचकर जिंदा रहा मैं। अगर आज मैं जिंदा हूं तो उसकी वजह तुम हो। शादी से पहले या शादी के बाद प्यार उनकी आंखों में नहीं दिखता श्रावणी।
अरे वो तो एक दूसरे के ऊपर हक जताने से होता है, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां निभाने से होता है, और ये सब मैंने इन 10 दिनों में तुमसे सीखा श्रावणी। प्यार तो मेरी आंखों के सामने ही था, और मैं बेवकूफ उस होटल के रूम में जाकर 4 दीवारों के बीच में प्यार ढूंढ रहा था। कितने साल मैंने बर्बाद कर दिए। मैंने जिस लड़की से प्यार किया उसे भूलने में न जाने मैंने कितने साल लगा दिए, लेकिन मीरा अंशु की बेटी है ये जानने के बाद भी उस लड़की को अपनाने में तुम्हें एक पल भी नहीं लगा श्रावणी। तुम में और मुझ में बस इतना सा फर्क है श्रावणी, प्यार का मतलब सिर्फ लेना नहीं होता बल्कि निभाना होता है, ये तुमने मुझे सिखाया। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया फिर भी तुम मुझे प्यार करती रही, और आज जब मैं तुमसे जान से भी ज्यादा प्यार करने लगा हूं तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। मेरी जान जाने के बाद ही जाऊंगी। आज के बाद इन आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा।